प्रो कबड्डी सीजन 11 के आगाज होने से पहले होगा ऑक्शन और ऑक्शन से पहले हमें देखने को मिलेगा एक छोटा सा रिटेंशन। पर इस सीजन के रिटेंशन बाकी सीजन से अलग होगा। इस बार के रिटेंशन में टीम्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हो गए, आखिर नवीन को रिटेन करें या फिर आसू मलिक को, असलम इनामदार को रिटेन करें या फिर मोहम्मद रिजा सादलू को। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखा है तब आपको पता होगा कि किस तरीके से पीकेएल रिटेंशन प्रोसेस वर्क करता है, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक फैक्टर होता है रिटेंशन प्राइस, दूसरा फैक्टर होता है प्लेयर का कैटेगरी। मसाल स्पोर्ट्स हमेशा ऑक्शन से पहले एक लिस्ट पब्लिश करती है जिसमें सभी प्लेयर्स के नए कैटेगरी मेंशन होती है कि वो खिलाड़ी कौन से कैटेगरी में, कैटेगरी ए में है या फिर कैटेगरी बी में है या फिर कैटेगरी सी में है, जिसे हम रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट कहते हैं। इस सीजन शायद हमें कैटेगरी ए में 24 खिलाड़ी और कैटेगरी बी में टोटल 31 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर कौन से खिलाड़ी कौन से कैटेगरी में होंगे प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए। सबसे पहले आपके माइंड में यह क्वेश्चन आएगा कि हमें जानने की क्या जरूरत है कि कौन से खिलाड़ी कौन से कैटेगरी में है। नवीन कुमार कैटेगरी ए में हो, बी में हो, सी में हो, क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रिटेंशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कैटेगरी। प्लेयर का कैटेगरी से ही पता चलता है कि जो प्लेयर का प्राइस है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। प्लेयर के कैटेगरी से ही पता चलता है कि क्या आप रिटेन इजिली हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते हो। अभी फिलहाल जो इलीट रिटेंशन का प्रोसेस है उसमें यही है कि हर कैटेगरी से आप मैक्सिमम 2 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। अगर आपके टीम में 3 प्लेयर्स है जैसे कि नवीन कुमार, आसू मलिक एंड एक मंजीत, आप ले लो, तीनों ही प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेले, तीनों ही प्लेयर्स कैटेगरी बी में हैं, तीनों ही प्लेयर्स इलीट प्लेयर है, तो आप सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो। अभी फिलहाल यही रिटेंशन का पॉलिसी है, चेंज नहीं हुआ है। तो इस जगह भी इस्तेमाल होता है कैटेगरी का, जिससे जो टीम है इजिली प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। तो नहीं पता कि इस बार का जो ये रिटेंशन प्रोसेस है वो सेम रहेगा या फिर चेंज होगा। एंड दूसरा चीज ये है कि ऑफिशियल रिकैटेगराइज्ड प्लेयर लिस्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एक हिसाब से आप गैस कर सकते हो कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा कैटेगरी में जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करते हो पिछले सीजन का परफॉर्मेंस देख के, तो आप इजिली गैस कर सकते हो कि ये खिलाड़ी इस सीजन भी कैटेगरी ए में होगा या फिर ये खिलाड़ी इस सीजन कैटेगरी ए से गिर के कैटेगरी बी में जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेरी पल्टन के साथ। सो पुनेरी पल्टन की टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें कैटेगरी ए में रखा जा सकता है। एक डिफेंडर है, 2 ऑलराउंडर है। सबसे पहले खिलाड़ी का नाम है गौरव खत्री, जो कि काफ़ी अच्छे डिफेंडर है। इस सीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, यानी कि पीकेएल 10 में 24 मैचेस में 69 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है। कैटेगरी सी में थे पिछले सीजन एंड इस बार इनको प्रमोट करके कैटेगरी ए में डाला जा सकता है। 2 ऑलराउंडर्स है। सबसे पहले कप्तान असलम इनामदार, काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया, 23 मैचेस में 142 रेड पॉइंट्स, 26 टैकल पॉइंट्स, पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में ही इनको रखा जाएगा। एंड एक और ऑलराउंडर है, आप गेस कर चुके होंगे, वो है मोहम्मद रेजा सादलू। क्या ही परफॉर्मेंस पिछले सीजन दिखाया, 99 टैकल पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किया, रेडिंग में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, 27 रेड पॉइंट्स, 24 मैच में कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में मोहम्मद रेजा सादलू होने वाले हैं। कैटेगरी बी में 4 प्लेयर्स को रखा जा सकता है। सबसे पहले पंकज मोहिते, दूसरे यहाँ पे मोहित गोयत, तीसरे आकाश शिंदे एंड चौथे अभिनेश नटराजन, जो कि डिफेंडर है। और बाकी के जो प्लेयर्स बच गए वो कैटेगरी सी में जाएंगे, जैसे कि रेडर्स से आदित्य शिंदे जाएंगे, डिफेंडर्स से हमें संकेत सावंत, बादल सिंह, यहाँ पे ईश्वर देखने को मिल जाएंगे, हरदीप वाहिद, रेजा मीर देखने को मिल जाएंगे एंड ऑलराउंडर में अहमद इनामदार हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ। तो दूसरी टीम पिछले सीजन की फाइनलिस्ट हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम में हमें 3 ऐसे खिलाड़ी है जो कि कैटेगरी ए में देखने को मिलेंगे एंड तीनों ही खिलाड़ी डिफेंडर है। सबसे पहले जयदीप दहिया, जो कि को कैप्टन थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 23 मैचेस में 68 टैकल पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किया, कैटेगरी ए में थे पिछले सीजन एंड इस बार भी कैटेगरी ए में इनको रखा जाएगा। एंड दूसरे को कैप्टन मोहित नांदल, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, 24 मैचेस में 70 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस बार प्रमोट करके डेफिनेटली इनको कैटेगरी ए में डाला जाएगा। एंड तीसरे डिफेंडर यहाँ पे राहुल सेतपाल है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिखाया,
23 मैचेस में 73 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। कैटेगरी सी में पिछले सीजन थे एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, इनको डायरेक्टली कैटेगरी ए में प्रमोट किया जा सकता है। अब कौन कौन से प्लेयर्स कैटेगरी बी में हो सकते हैं रेडर्स की बात की जाए तो रेडर्स में हमें विनय तेवतिया कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे, सिद्धार्थ देसाई भी हमें कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे और डिफेंडर्स में हमें मोहित देखने को मिल जाएंगे कैटेगरी बी में। एंड बाकी के प्लेयर्स जो बच गए वो कैटेगरी सी में होने वाले रेडर्स से हमें के प्रपंजन, चंद्रन रंजीत, घनश्याम मगर, हसन बलबूल, तेजस पाटिल, डिफेंडर्स में नवीन कुंदू, हर्ष, मोनू हुड्डा, सनी सहरावत, हिमांशु चौधरी और रविंद्र चौहान देखने को मिल जाएंगे। एंड एक ऑलराउंडर है जो कि आशीष है, वो भी हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट टीम है 3-टाइम के चैंपियंस पटना पायरेट्स की टीम। पटना पायरेट्स की टीम से हमें दो खिलाड़ी कैटेगरी ए में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सचिन तन्वर, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, 22 मैचेस में 171 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी इनको कैटेगरी ए में ही रखा जाएगा। एक यहाँ पर डिफेंडर है जो कि कृष्ण दुल है, इनको भी कैटेगरी ए में रखा जा सकता है। 24 मैचेस में 78 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, कैटेगरी सी में थे पिछले सीजन एंड इस बार के सीजन में हमें कृष्ण दुल कैटेगरी ए में देखने को मिल जाएंगे। कैटेगरी बी में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं रेडर्स से हमें सबसे पहले मंजीत दहिया कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली इनका कैटेगरी डाउन होगा, कैटेगरी ए में थे पिछले सीजन, इस बार कैटेगरी बी में रखा जाएगा। दूसरे यहां पे संदीप कुमार, पहले ही सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। डिफेंडर्स की बात की जाए तो डिफेंडर से कोई भी खिलाड़ी कैटेगरी बी में नहीं होगा एंड ऑलराउंडर से हमें अंकित जागलान कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे। 23 मैचेस में 66 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। एंड बाकी के जो प्लेयर्स बच गए वो यहाँ पे कैटेगरी सी में हो गए, जो कि यहाँ पे रंजीत नायक, अनुज कुमार, यहाँ पर राकेश नरवाल, जैंग वे चैन, अर्पित सरोहा, नीरज कुमार, त्यागराजन युवराज, नवीन शर्मा, मनीष, महेंद्र चौधरी, संजय, दीपक कुमार बाबू एंड मयूर कदम देखने को मिल जाएगी। ऑलराउंडर से डेनियल ओदियांबो, सचिन चंद्रशेखर एंड रोहित राघव हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। अगली टीम है पीकेएल 8 की चैंपियंस दबंग दिल्ली की टीम। दबंग दिल्ली की टीम से हमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी कैटेगरी ए में देखने को मिल जाएगा। आप में से मोस्ट ऑफ द गेस्ट कर चुके होंगे, वो है दबंग दिल्ली के कप्तान आशु मलिक। क्या ही परफॉर्मेंस दिखाया नवीन कुमार के गैर हाजिरी में, काफ़ी अच्छे तरीके से टीम को एलिमिनेटर तक ले गए एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 23 मैचेस में 276 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड कैटेगरी ए में इनको रखा जाएगा। पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस बार कैटेगरी ए में हो सकते हैं। कैटेगरी बी की बात की जाए तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी मुझे लगता है कैटेगरी बी में होगा, वो है नवीन कुमार। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे, 6 मैचेस ही खेले, 71 रेट पॉइंट स्कोर किया। वैसे तो कैटेगरी ए में थे पिछले सीजन एंड इस परफॉर्मेंस के बदौलत मुझे लगता है कि कैटेगरी बी में डाला जाएगा, लेकिन अगर इनको कैटेगरी ए में अगर आप देखोगे तो आपको शौक नहीं होना चाहिए, कैटेगरी ए में भी इनको डाला जा सकता है। एंड बाकी ऐसा कोई खिलाड़ी मुझे नहीं लग रहा है जो कि कैटेगरी बी में होगा। एक नॉमिनेटेड एनवाईपी है जो कि योगेश दहिया है, बाकी के प्लेयर्स कैटेगरी सी में हो गए। आप देख सकते हो रेडर्स में हमें आशीष नरवाल, सूरज पनवर, मनजीत शर्मा, मीटू शर्मा देखने को मिल जाएंगे। डिफेंडर्स में हमें विजय कुमार, विशाल भारद्वाज, सुनील नरवाल, नितिन चांदेल, बाला साहेब यादव, फेलिक्स ली, युवराज पंड्या, मोहित शर्मा, विक्रांत होकर देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑलराउंडर्स में हमें आकाश प्रासर, आशीष संगवान एंड राहुल कुमार कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। अगली टीम है प्रो कबड्डी सीजन 9 की चैंपियंस जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम से हमें कई प्लेयर्स कैटेगरी ए में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अर्जुन देसवाल है, क्या ही परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, 23 मैचेस में 276 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में इनको रखा जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्टली कप्तान सुनील कुमार होने वाले कैटेगरी ए में, 23 मैचेस में 55 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड कैटेगरी ए में इनको दोबारा रखा जाएगा। अगले यहां पे अंकुश राठी है, 22 मैचेस में 70 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड इस सीजन भी अंकुश राठी कैटेगरी ए में ही हमें देखने को मिलेगा। अगले प्लेयर यहां पे रेजा मीर बगेरी है,
22 मैचेस में 60 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। पिछले सीजन कैटेगरी सी में थे एंड इस अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत इनको कैटेगरी ए में प्रमोट किया जा सकता है। कुछ प्लेयर्स हमें कैटेगरी बी में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेडर्स में वी अजीत कुमार, डिफेंडर्स में हमें सहुल कुमार कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे एंड बाकी के जो प्लेयर्स बच गए वो कैटेगरी सी में होंगे, जैसे कि रेडर्स में नवनीत, राहुल चौधरी, आमिर हुसैन मलिक की, देवांग, भवानी राजपूत, शशांक, शुभम सेलके एंड अक्षय कुमार सोनी। डिफेंडर्स की बात की जाए तो डिफेंडर्स में लकी शर्मा, अभिषेक केस, आशीष लवीस एंड सुमित कैटेगरी सी में हमें देखने को मिल जाएंगे। हमारी अगली टीम है गुजरात जायंट्स की टीम। गुजरात जायंट्स की टीम एलिमिनेटर तक गई थी पिछले सीजन एंड एक ही खिलाड़ी है जो कि कैटेगरी ए में होगा मुझे लगता है, वो यहाँ पे कप्तान फजल अत्राचली है। अच्छा सीजन क्या है, 23 मैचेस में 62 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में मेंटेन होके। कैटेगरी बी में हमें कई सारे प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेडर्स में प्रतीक दहिया, राकेश सुग्रोया, डिफेंडर्स में हमें सोमवीर कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में दीपक सिंह भी कैटेगरी बी में हो सकते हैं, ऑलराउंडर्स में हमें रोहित गुलिया कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे। बाकी के जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे कैटेगरी सी में हो सकते हैं, रेडर्स में सोनू जागलान, मोरे जीबी जगदीप, डिफेंडर्स में सौरभ गुलिया, मनोज बूरा, रवि कुमार, नीतेश, ऑलराउंडर्स में हमें रोहन सिंह, अरकम शेख, मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श, बालाजी डी, विकास जागलान, जितेंद्र यादव एंड नरेंद्र हुड्डा हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। अगली टीम है बेंगलुरु बुल्स की टीम। बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो कि कैटेगरी ए में हो सकता है, वो यहाँ पे डिफेंडर है सौरभ नंदल। 21 मैचेस में 49 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड 49 टैकल पॉइंट्स स्कोर करने के बाद मुझे लगता है कि इनको कैटेगरी ए में ही रखा जाएगा। कैटेगरी बी की बात की जाए तो रेडर्स में हमें दो खिलाड़ी कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे भरत हुड्डा है, परफॉर्मेंस काफी डाउन हुआ, 18 मैचेस में 103 रेड पॉइंट स्कोर किया, तो पिछले सीजन कैटेगरी ए में थे एंड इस बार कैटेगरी बी में इनको रखा जा सकता है। सेकंड यहाँ पे विकास कंडोला है, पिछले सीजन भी कैटेगरी बी में थे, इस बार भी कैटेगरी बी में हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे सुशील है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, कैटेगरी सी से प्रमोट करके इनको कैटेगरी बी में डाला जा सकता है। डिफेंडर्स में हमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिलेगा कैटेगरी बी में, जो कि यहाँ पे सुरजीत सिंह है। अब कैटेगरी सी के बारे में बात करते हैं तो रेडर्स में कैटेगरी सी में हो गए नीरज नरवाल, मोनू, अभिषेक सिंह, बंटी एंड प्योटर पमुलक देखने को मिल जाएंगे। डिफेंडर्स में आकाश चौधरी, अमित योरान, सौरभ नंदल देखने को मिल जाएंगे, फिर यश हुड्डा, विशाल लाथर, अंकित सुंदर, रक्षित, रोहित कुमार, पोन प्रतिबन सुब्रमण्यम एंड मोहम्मद लिटोन अली देखने को मिल जाएंगे एंड ऑलराउंडर्स में सचिन नरवाल एंड रन सिंह हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट टीम है तमिल थलाइवास की टीम। तमिल थलाइवास की टीम से हमें कैटेगरी ए में रेडर्स में देखने को मिल जाएंगे नरेंद्र कंटोला, एक और बेहतरीन सीजन इनका गया, पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में ही रहेंगे। डिफेंडर्स में दो डिफेंडर्स कैटेगरी ए में हो सकते हैं, सबसे पहले सागर राठी, 66 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, पिछले सीजन कैटेगरी ए में थे, इस बार भी कैटेगरी ए में हो गए। अगले डिफेंडर यहां पे साहिल गुलिया है, 69 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस बार प्रमोट करके इनको कैटेगरी ए में डाला जा सकता है। एंड कैटेगरी बी की बात की जाए तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी कैटेगरी बी में हो सकता है, जो कि यहाँ पे अजिंक्य पवार है, 124 रेड पॉइंट स्कोर किया, पिछले सीजन भी कैटेगरी बी में थे, इस बार भी कैटेगरी बी में ही हो गए एंड बाकी के जो प्लेयर्स हो गए वो कैटेगरी सी में हो गए। रेडर्स में हिमांशु नरवाल, हिमांशु सिंह, सेल्वमणि के, जतिन मसनामुतु एंड सतीश कन्नन देखने को मिल जाएंगे। डिफेंडर्स में हिमांशु, एम अभिषेक, मोहित, आशीष, आमिर हुसैन बस्तामी एंड मोहम्मद रेजा काबौंद्र हांगी देखने को मिल जाएंगे। ऑलराउंडर्स में हमें ऋतिक देखने को मिल जाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आईपीएल का सीजन अभी एंड होने वाला है, एक वीक बचा है लीग स्टेजेस को एंड अभी बहुत ही गजब मैचेस होने वाले हैं एंड अगर आपको आईपीएल के मैचेस के प्रेडिक्शन एक्यूरेसी के साथ चाहिए तो आप राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उस पर आपको आईपीएल के मैचेस के प्रेडिक्शन देखने को मिल रहे हैं। सो फार जितने भी प्रेडिक्शन हुए काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट हुआ है। अपकमिंग इंटरनेशनल इवेंट्स के भी आपको प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा,
जाइए क्लिक कीजिए एंड बिल्कुल फ्री में राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगली टीम की बात करते हैं तो अगली टीम तेलुगु टाइटंस की टीम है। तेलुगु टाइटंस की टीम की तरफ से सिर्फ एक ही खिलाड़ी कैटेगरी ए में हमें देखने को मिलेगा एंड वो कौन है, हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत है। पिछले सीजन कैटेगरी बी में चले गए थे एंड इस बार कैटेगरी ए में आएंगे 202 रेट पॉइंट्स 21 मैचेस में स्कोर करने के बाद डेफिनेटली कैटेगरी ए में हो गए। एंड तेलुगु टाइटंस की टीम की तरफ से कोई भी मुझे नहीं लगता कि कैटेगरी बी में होगा, जितने भी प्लेयर्स बचे हैं वो यहाँ पे कैटेगरी सी में ही होने वाले हैं। रेडर्स में रजनीश, विनय, ओमकार पाटिल, रोबिन चौधरी, रतन जी। डिफेंडर्स में परवेश भैंसवाल, मोहित नरवाल, नितिन, गौरव दहिया, अजीत पवार, मोहित, मिलाद जब्बारी, संदीप धूल। एंड ऑलराउंडर्स में हमें शंकर गदाय एंड हामिद नादर कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। अब अगली टीम की बात करते हैं तो अगली टीम बंगाल वॉरियर्स की टीम है। बंगाल वॉरियर्स की टीम से कुछ प्लेयर्स हमें कैटेगरी ए में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कप्तान माइटी मनिंदर सिंह यहाँ पे कैटेगरी ए में फिर से हो गए। पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे, 21 मैचेस में 197 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। एंड दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे शुभम शिंदे हो गए, पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस बार इनको प्रमोट करके कैटेगरी ए में डाला जा सकता है। 22 मैचेस में 62 टैकल पॉइंट स्कोर करने के बाद डेफिनेटली कैटेगरी ए में हमें शुभम शिंदे देखने को मिल जाएंगे। अब कौन से प्लेयर्स कैटेगरी बी में हैं? रेडर्स में हमें श्रीकांत यादव कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे एंड एक नितिन कुमार वो भी हमें कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे। डिफेंडर्स में सिर्फ एक ही खिलाड़ी हमें कैटेगरी बी में देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे वैभव गर्जे है एंड बाकी के जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। रेडर्स में सुयोग गायकार, प्रशांत कुमार, असलम थाम्बी, अक्षय बोडके, विश्वास एस, चाइमिंग चांग एंड आर गुहान देखने को मिल जाएंगे। डिफेंडर्स में हमें अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे, जसकीरत सिंह, कपिल गुर्जर, हर्ष लाड। ऑलराउंडर्स में नितिन रावल एंड अक्षय भोर भरत देखने को मिल जाएंगे कैटेगरी सी में। सेकंड लास्ट टीम की बात की जाए तो सेकंड लास्ट टीम यूपी योद्धास की टीम है। यूपी योद्धास की टीम से हमें दो प्लेयर्स कैटेगरी ए में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रदीप नरवाल, जरूर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है, 122 रेट पॉइंट्स स्कोर किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल कैटेगरी ए में ही प्रदीप नरवाल को रखा जाएगा। एंड डिफेंडर्स में एक खिलाड़ी कैटेगरी ए में होगा जो यहाँ पे सुमित सांगवान है। 22 मैचेस में 61 टैकल पॉइंट स्कोर किया, पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में सुमित सांगवान हो सकते हैं। बाकी कैटेगरी बी की बात की जाए तो रेडर्स में कैटेगरी बी में हमें सुरेंद्र गिल देखने को मिल जाएंगे, डिफेंडर्स में नितेश कुमार कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे एंड ऑलराउंडर्स में विजय मलिक कैटेगरी बी में देखने को मिल जाएंगे। बाकी के प्लेयर्स कैटेगरी सी में हो गए, रेडर्स में अनिल कुमार, महिपाल, गुलवीर सिंह कैटेगरी सी में, डिफेंडर्स में आशू सिंह, किरण मगर, हरेंद्र कुमार कैटेगरी सी में एंड ऑलराउंडर्स में गुरदीप, नितिन पनवर, हेल्विक वंजाला एंड सैम्यूल वफुल्ला हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। एंड आखिरी टीम की बात की जाए तो आखिरी टीम यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा की टीम की तरफ से सिर्फ एक ही खिलाड़ी हमें कैटेगरी ए में देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे गुमान सिंह है। 18 मैचेस में 163 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस बार प्रमोट करके कैटेगरी ए में इनको डाला जा सकता है। बाकी कैटेगरी बी की बात की जाए तो रेडर्स से कोई भी कैटेगरी बी में मुझे नहीं लगता होगा। डिफेंडर्स में एक रिंकू शर्मा है, इंजरी के कारण ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, 9 मैचेस में 28 टैकल पॉइंट स्कोर किया, तो मुझे लगता है कि इनका कैटेगरी डाउन होगा एंड कैटेगरी बी में आ सकते हैं। एंड एक ऑलराउंडर है जो कि आमिर मोहम्मद जाफर दनेस है, इनको कैटेगरी बी में डाला जा सकता है। बाकी के प्लेयर्स यहाँ पे कैटेगरी सी में हो गए, रेडर्स में जय भगवान, प्रणय राणे, रुपेश, सचिन, शिवम, हैदर अली इकरामी, सौरभ पार्थे, रोहित यादव, अली रजा मिर्जाइन एंड कुणाल हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। डिफेंडर्स में सुरेंद्र सिंह, शिवांश ठाकुर, गिरीश एरनाक, महेंद्र सिंह कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। ऑलराउंडर्स में राम, संता पना सेल्वम एंड विश्वनाथ भी हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस ये थे सभी प्लेयर्स के नए कैटेगरी प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए। मैंने अपने तरीके से पूरा कोशिश किया है कि अच्छे तरीके से जो खिलाड़ी जो कैटेगरी में हो सकता है उसी कैटेगरी में डालूं। जरूर यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई खिलाड़ी कैटेगरी ए में है वो कैटेगरी बी में भी जा सकता है, जिस खिलाड़ी को मैंने कैटेगरी बी में डाला है वो कैटेगरी ए में भी जा सकता है।
लेकिन ज्यादा चांसेस है कि जो लिस्ट मैंने आपको बताया है 90% उसी टाइप का देखने को मिले। एंड इससे आपको पता चल ही गया होगा कि अब से आपको प्रो कबड्डी सीजन 11 के रिटेंशन के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा। इसी लिस्ट का इस्तेमाल करके सभी टीम्स के रिटेन प्लेयर्स एंड रिलीज प्लेयर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड जैसी ऑफिशियल लिस्ट अनाउंस हो जाएगा रिकेटेगराइज प्लेयर्स का पीकेएल 11 के लिए, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देने वाला हूँ। तो ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स एंड पीकेएल ऑक्शन के अपडेट्स आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके आप @sportsnif7 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड आखिर प्रो कबड्डी का रिटेंशन प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, डिफरेंट टाइप्स के NYPs होते हैं प्रो कबड्डी में, एग्जिस्टिंग NYP, नॉमिनेटेड NYP, तो सभी जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तब तक मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।